हेलो बच्चों, और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दाई मेंटर में। मैं सुनीत कुमार, आपका करियर गाइड, मेंटर और मोटिवेटर। बेसिकली आज आपको हम लोग एनिमेशन और ग्राफिक्स के बाकी कोर्सेज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में और क्या एंट्रेंस एग्जाम है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे। तो ये सेकंड पार्ट है जहाँ पे कि हम लोग करियर इन एनिमेशन एंड ग्राफिक्स के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंडिया में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अच्छे कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद में है, और यहाँ पे बैचलर ऑफ डिज़ाइन का कोर्स आप कर सकते हैं। दूसरा कॉलेज जो है वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर है, IDC, ये IIT मुंबई में है। तीसरा कॉलेज सिम्बायसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, ये पुणे में है। चौथा कॉलेज सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी बैंगलोर में है, और जहाँ पे कि आप एनिमेशन और विजुअल कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं। पांचवा पर्ल एकेडमी दिल्ली और मुंबई दोनों जगह है, यहाँ पे भी आप ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स कर सकते हैं, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है। और छठा इंस्टीट्यूट विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल मुंबई है, यहाँ पे भी आप एनिमेशन, फिल्म मेकिंग और इनसे रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं, बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं। सातवां कॉलेज एमिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स है, यहाँ पे आप VFX और एनिमेशन का कोर्स कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हैं। आठवां एरिना एनिमेशन है, यहाँ पे आप एनिमेशन, VFX और मल्टीमीडिया के कोर्सेज कर सकते हैं। नवा कॉलेज जो है जहाँ पे आप एनिमेशन और ग्राफिक्स के कोर्सेज कर सकते हैं वो VIT यूनिवर्सिटी वेलोर है, यहाँ पे आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन का कोर्स कर सकते हैं एनिमेशन और ग्राफिक डिज़ाइन पे। दसवां कॉलेज जो है सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई का है, यहाँ पे भी आप बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट पे। 11वां कॉलेज जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट है, जीका के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एनिमेशन, VFX और ग्राफिक डिज़ाइन पे कर सकते हैं। 12th जो नंबर पे कॉलेज है वो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है, यहाँ पे भी आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन एनिमेशन में कर सकते हैं। 13th जो कॉलेज है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड फाइन आर्ट्स है, NIFA कोलकाता के नाम से जाना जाता है ये कॉलेज, और यहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और फिल्म मेकिंग में कर सकते हैं। आप ध्यान ये रखना होगा बच्चों की कॉलेज की जानकारी आप उनका करिकुलम देखिए, उनके वेबसाइट पे जाइए, क्या कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं वो देखिए, और इसके अलावा आप हो सके तो कैंपस विजिट कीजिए, और वहाँ पे जो एलुमिनाई हैं, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं या जो एलुमिनाई जो वहाँ से पास कर गए हैं, उनसे जानकारी लीजिए कि कैंपस कैसा है, कोर्स कैसा है और वहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसा है, ये सब जानकारी लेने के बाद ही डिसीजन लीजिए। अब हम लोग जो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जो कि बहुत अपकमिंग फील्ड है, इसमें कौन से अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं और क्या डिग्री आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है मणिपाल में, जहाँ पे आप BTech डिग्री कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन AR और VR पे, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी पे आप ले सकते हैं। सेकेंड कॉलेज जो है वो वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे भी BTech प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन AR और VR का आप कर सकते हैं। तीसरा MIT यूनिवर्सिटी नोएडा है, यहाँ पे BTech प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन AR और VR आप कर सकते हैं। चौथा जो कॉलेज है वो सिम्बायसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, यहाँ बैचलर ऑफ डिज़ाइन का प्रोग्राम है, जहाँ पे कि आप AR और VR के कोर्सेस वहाँ पे इंक्लूडेड हैं इसमें। फिर भी पांचवा चितकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, यहाँ पे भी BTech कोर्स है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में, जहाँ पे आप AR और VR का स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो है IITs, वहाँ पे भी AR और VR के कोर्सेस आप ऐड कर सकते हैं कुछ सेमेस्टर्स में, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट अगर आपने चूज किया है तो। इसके अलावा हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब IIT दिल्ली के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके आगे जो हम लोग यूनिवर्सिटी देखेंगे वो एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है पंजाब में, यहाँ पे भी आप BTech कोर्स कर सकते हैं AR और VR में। कहीं पे भी एडमिशन लेने के पहले आपको देखना चाहिए कि करिकुलम कैसा है वहाँ का, फैकल्टी एक्सपर्टीज देखना ज़रूरी है, फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं, इंडस्ट्री का कनेक्शन कैसा है, स्टूडेंट
प्रोजेक्ट्स कैसे मिल रहे हैं, तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखिए आप जब एडमिशन लेना है। जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो NID सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो NID एंट्रेंस एग्जाम है। इसमें डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, NID कंडक्ट कराती है, और यहाँ से आप एडमिशन इनटू कोई भी डिज़ाइन कोर्सेज में जो NID प्रोवाइड कर रही है वहाँ ले सकते हैं, और इंक्लूडिंग एनिमेशन और फिल्म डिज़ाइन। फिर दूसरा जो एग्ज़ाम है वो UCET का एग्ज़ाम है, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन। ये IIT मुंबई कंडक्ट करती है UCET का एग्ज़ाम, और इससे आपको बैचलर ऑफ डिज़ाइन प्रोग्राम जो IITs ऑफर करती है वहाँ एडमिशन आप ले सकते हैं। तीसरा एग्ज़ाम सेट एग्ज़ाम है, सिम्बायसिस एंट्रेंस टेस्ट। ये सिम्बायसिस कंडक्ट कराती है, और यहाँ पे भी ग्राफिक डिज़ाइन और डिज़ाइन प्रोग्राम जो सिम्बायसिस ऑफर कर रही है वहाँ पे एडमिशन लेने में मदद मिलता है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। चौथा MIT ID डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कंडक्ट कराती है, और यहाँ पे भी एनिमेशन और गेम डिज़ाइन के जो कोर्सेस हैं वहाँ एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम देना होता है। पर्ल अकेडमी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो पर्ल अकेडमी कंडक्ट कराती है, अगेन जो ग्राफिक डिज़ाइन और एनिमेशन का कोर्स है उसमें एडमिशन में हेल्प मिलता है इससे। और विस्लिंग वुड इंटरनेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये विस्लिंग वुड इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी है वो कंडक्ट कराती है, और यहाँ पे एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एनिमेशन और फिल्म मेकिंग में आप ले सकते हैं अगर आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। एरिना एनिमेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो AACAT के नाम से जाना जाता है। इसको क्लियर करके आप एनिमेशन VFX और मल्टीमीडिया में एडमिशन ले सकते हैं एरिना इंस्टीट्यूट्स में। और आठवें नंबर पे है MET स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये MET यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, और इसमें इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एनिमेशन और VFX में, जो कि MET में एंट्रेंस के लिए है। नौवें नंबर पे ZIKA एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ZI इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, बेसिकली ZIKA का फुल फॉर्म है, और इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप एनिमेशन VFX और ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं ZIKA में। तो ये सारे एग्ज़ाम को थोड़ा ध्यान से जानने की ज़रूरत है कि इसमें क्या सिलेबस है, क्योंकि जनरली जो इसमें टेस्ट करते हैं वो आपका डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे, ड्राइंग स्किल्स को चेक करेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग को चेक करेंगे, और जनरल अवेयरनेस को चेक करते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही है बच्चों, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं एनिमेशन और ग्राफिक का कोर्स पढ़ने के लिए, और उसके अलावा जो इमर्जिंग फील्ड है AR और VR उसमें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्स प्रोवाइड करती हैं, और क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम हर हफ्ते नए नए करियर ऑप्शंस के बारे में आपको बताएंगे, जिससे कि आप अपनी राह चुन सकें। धन्यवाद दोस्तों।